जहाँ जिंदगी के रंग है और जिंदगी भी संग है, एक आसमान है खुशियों का और मस्ती की पतंग है। डोर पकड़ के लम्हों की बादल के संग उड़ना है, खेल कूद से जुड़कर ही हमें जिंदगी से जुड़ना है। तो तोड़ के बंधन ओढ़ के बचपन हम घर से निकले हैं, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, हाँ करने सैर सपाटा। साथ चले हैं सब मिलकर, जोश नया भर के अपने मन में, बचपन जैसे लौट आया शाजापुर के आंगन में। एरोबिक्स है योग कहीं, खेल खेलते लोग कहीं, सेहत अपने साथ चली पीछे झूठे रोग कहीं। तो तोड़ के बंधन ओढ़ के बचपन हम घर से निकले हैं, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, करने सैर सपाटा, हाँ करने सैर सपाटा। नमस्कार, टाइम मीडिया के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नया साल है, नई उमंग है, नई तरंग है, और इसी के साथ शहरवासी, शाजापुर वासी भी एक नए संकल्प के साथ आज नए साल का पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। नया संकल्प है समाज के निर्माण का, नया संकल्प है राष्ट्र के निर्माण का, और इन सब के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर की मजबूती का। इसी के साथ में जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में, साथ ही प्रेस क्लब शाजापुर ने भी इस पहल का हिस्सा बन करके जन जागरण अभियान चलाने का काम किया है। साथ ही टाइम मीडिया की टीम भी इसमें शामिल है, और तमाम वे लोग शाजापुर के इसमें शामिल हैं जो चाहते हैं कि एक समाज का निर्माण हो, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो। सबसे पहले हमारे साथ में जिला कलेक्टर दिनेश जैन जी यहां पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो टाइम मीडिया की ओर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, किस तरीके का यह आयोजन होने वाला है, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? कि सबसे पहले तो सभी नागरिकों को जो है मैं नए वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ज़िले के सभी नागरिकों के स्वस्थ और समृद्ध और अच्छे जीवन के लिए कामना करता हूं। और हम लोगों ने ये प्लान किया है, हमारे सारे लोगों ने मिलके जो यहां के विभिन्न संगठन हैं उन सब लोगों के प्रयास से, नगर पालिका प्रशासन, प्रेस क्लब और हमारे सारे उत्साही संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने ये आयोजन शुरू कर रहे हैं आज से, कि जिससे कि आज का जैसे टाइटल रखा है हम लोगों ने, स्वस्थ तन आनंदित मन, मतलब तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए और नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, ताकि लोग जो हैं आएं और अपना एंजॉय करें, आनंदित रहें, जीवन में उल्लास रहे, स्वस्थ रहें, उसके लिए ये गतिविधियाँ प्रारंभ की जा रही हैं, ताकि हर हफ्ते कम से कम एक दिन लोग 3-4 घंटे जो है यहाँ एंजॉय करें, अपना खेलें कूदें, योगा करें और अपने लोगों से मिलें जुलें और एक अच्छा वातावरण निर्माण हो, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। कि सर, यहाँ पे गतिविधियाँ चलाई जाएंगी, क्या क्या यहाँ पर चिन्हित किया गया कि 8 सप्ताह तक प्रति रविवार यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे, किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? देखिए, इसमें सब परंपरागत जो हम लोगों के परंपरागत खेल हैं वो भी लोग इसमें एंजॉय करेंगे, योगा करेंगे, म्यूजिक का भी अरेंजमेंट किया गया है हमारे संगठनों ने और नगर पालिका प्रेस क्लब वगैरह ने, बहुत सारे इसमें खाने पीने के लिए भी इंतजाम किए हुए हैं, पेंशनर एसोसिएशन आप देख रहे हैं ये सारे लोग भी सक्रिय हैं, कई गतिविधियां यहाँ पे की जाएंगी जो लोगों को और उनको जो भी पसंद है वो कर सकते हैं, ओपन टू ऑल है ये प्रोग्राम।
नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी भी हैं। संतोष जी, जिला प्रशासन के साथ में नगर पालिका परिषद ने भी इस में सहभागिता निभा रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ आयोजन होने वाले? आज पहला रविवार है इस कार्यक्रम की शुरुआत का। धीरे धीरे यहाँ पे हर प्रकार की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से स्वस्थ शाहजहाँपुर, सुंदर शाहजहाँपुर का जो सपना है वो साकार होगा। यहाँ पे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए घरों से निकल के छोटे बच्चों से लगा के बुजुर्ग तक आज पहले ही दिन पूरे ग्राउंड पे आपको दिख रहे हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मनोरंजन के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार हर खेल में रुचि लेके अपने कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है। दीपक जी, प्रेस क्लब भी इसमें अपनी पूरे टीम के साथ में यहाँ पर है, लोगों में जन जागृति फैलाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के साथ में प्रेस क्लब भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। साल का पहला दिन है और कोहरे की चादर ओढ़े यहाँ पर पहला दिन आया है, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? पहले तो मैं सबसे पहले पूरे शाहजहाँपुर वासियों को, सभी को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यह कामना करता हूं कि जैसे हमारे 2-3 साल अभी जो बहुत ही कोरोना कारण विपत्तियों गुजरे हैं, आप कभी ऐसा समय नहीं आया। भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब खुश रहें और जैसे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन रहता है, तो हर काम में आपका मन लगता है, जीवन जीने का एक आनंद अलग ही रहता है। इसी धारा में 3 साल पहले 2017 में जिला प्रशासन द्वारा सैर सपाटा कार्यक्रम शुरू किया गया था। चूँकि कोरोना में अभी 2-3 साल हम सैर सपाटा कार्यक्रम कर नहीं पाए थे, तो हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने वापस लोगों के स्वास्थ्य के चिंता के लिए वापस ये अपील की और इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि हर हफ्ते सुबह से लोग इस सैर सपाटा कार्यक्रम में आए, एक्सरसाइज करें, है ना। और चूंकि यहाँ अनेक गतिविधियाँ हैं, बच्चों के लिए डांस की व्यवस्था है, योगा की व्यवस्था है, मान लो कोई बुजुर्ग है जिसको जूस पीना है तो जूस की भी व्यवस्था है। इसी तारतम्य में भी जो 8 हफ्ते हैं, अलग अलग संस्थाओं ने एक एक हफ्ते में अपना जो सहयोग है वो देने का कार्य किया था। तो चूँकि पहला सप्ताह है तो प्रेस क्लब शाहजहाँपुर ने, सभी पत्रकार साथियों ने यह कार्यक्रम की शुरुआत की है और प्रयास किया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ सारी फैसिलिटी दी जाए। हमारे मनीष सोनी जी जो टाइम मीडिया के, उन्होंने भी यहाँ पूरा लाइव प्रसारण चालू किया है जिससे लोगों तक ये मैसेज जाए कि वे यहाँ आए, अपने अपने बच्चों को भी भेजें और बढ़िया स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद जी। 9 वर्ष पे क्या कुछ कहना चाहिए? शाहजहाँपुर नगरवासियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी प्रकार सैर सपाटा का आनंद लीजिए यहाँ आके। तो निश्चित रूप से साल का पहला दिन है, पहली सुबह है और कोहरे की चादर ओढ़े साल का पहला दिन आया है और इसी के साथ में जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने सैर सपाटे की शुरुआत की है जो आने वाले लगातार 8 सप्ताह तक चलेगी और 8 सप्ताह में प्रत्येक रविवार को इस तरह का आयोजन किया जाएगा। आज पहला दिन है, इसकी शुरुआत जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने यहाँ पर इसकी विधिवत तरीके से शुरुआत की है। सैर सपाटा है, कई तरह के आयोजन यहाँ पे किए जाएंगे। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन आशीष कारपेंटर मेरे साथ में है, टाइम मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो सीधा प्रसारण इस वक्त यहाँ से कर रही है, रोहित विश्वकर्मा, चेतन शर्मा, टाइम मीडिया के डायरेक्टर मनीष सोनी, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और कोहरे की चादर ओढ़े यह पहला दिन और उसमें देखिए कि किस तरीके का उत्साह उल्लास लोगों के बीच में है। जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं, योग कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही है। अभी तक हम देखा करते थे कि बड़े शहरों में ही इस तरीके के आयोजन किए जाते थे, चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो, वहाँ पर सैर सपाटा या मौज मस्ती के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते थे। अब लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कई मंच लगाए गए हैं यहाँ पर जहाँ अन्य गतिविधियाँ चलाई जा रही है, कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, सैर सपाटे की शुरुआत की गई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? ये जिला प्रशासन और आनंदम की तरफ से एक अच्छी पहल है जिसमें पूरे शाहजहाँपुर जिले के नागरिक अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं
और विभिन्न विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और ये एक अच्छी पहल है जो जनवरी और फरवरी माह के 8 सप्ताहों में आयोजित की जाएगी। और सबसे अनोखी बात यह कि आज इसका शुभारंभ नए साल के उपलक्ष्य में किया गया है। चार लाइन सुनाना चाहता हूँ। इसमें जीवन की तुलना नदी से की गई है, प्रमोद तिवारी जी की ये रचना है। केवल चार लाइन गुरु, पहले ये को आप कि इसमें कोई गलती हो तो माफ करना, इसमें कोई गलती हो तो आज आनंद का दिन है। क्षमा करना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, ओ नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर का घर जाना है, सागर से पहले तुझको गागर का घर जाना है, सागर की बहना नदिया, गागर से कहना नदिया, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाओ में दीवार। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। मेरे नौजवान साथियों के लिए चार लाइन, इसके बाद समाप्त करूंगा। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी ये संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना नदी को कहा है बहना, बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहते नदिया। धन्यवाद धन्यवाद शर्मा जी। तो लीजिए आगे हुए आदरणीय श्री संतोष जोशी जी उपाध्यक्ष महोदय नगर पालिका जयसी। तो लीजिए आनंद के साथ में इनके कुछ पल भी आप आनंद लीजिए। संतोष जोशी जी, मैं एक मालवी गीत सुनाऊंगा। एक किसान अपने खेत को बिठा हुआ है, उसकी फसल तैयार है, वो अपने प्रभु को बुलाता है। मालवी भाषा में जिस प्रकार वो आह्वान कर रहा है, उसको मैं अपने शब्दों से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रभु मारो खेत पधारो, प्रभु मारो खेत पधारो, श्याम मोहन बंसुरी वाला, प्रभु मारो खेत पधारो, श्याम मोहन बंसुरी वाला, मूंग फल बटला के फलेंगे, तब मूंग फल बटला के फलेंगे, तोड़ी तोड़ी ने खाजो, मूंग फल बटला के फलेंगे, तोड़ी तोड़ी ने खाजो, नाना मोटा मत से कह दू, थारे नाना मोटा मत से कह दू, घर से कितने खाजो, मारा खेत पधारो, प्रभु मारा खेत पधारो, श्याम मोहन बंसुरी वाला, बाजरिया को फिटड़ो रंग दू,
थारे बाजरिया को पिटो रंग दू माए मुंगाली दाल, बाजरिया को पिटो रंग दू माए मुंगाली दाल, धोली दिल को तेल मंगलू थारे धोली दिल को तेल मंगलू अब हम खाजो मारा खेत पदारो प्रभु मारा खेत पदारो श्याम मोहन बंसुरी वाला भगवान। हमारे माननीय जिलाधीश महोदय श्री धीरेन्द्र जैन साहब भी आज के इस आनंदम पर्व की शुरुआत सैर सपाटा के साथ आप सबके आने में जीवन में आनंद की कल्पना नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ माननीय कलेक्टर साहब देखिए आज के सैर सपाटा कार्यक्रम और जो कि हमारे नव वर्ष पर प्रारंभ हो रहा है तो सभी लोगों को जो यहाँ पर एकत्रित हैं उन सभी लोगों को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी नागरिक इसी तरह जिले के सभी नागरिक आनंद के साथ स्वस्थ रहते हुए और अच्छे से जीवन अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं, यही हम सब लोगों की कामना है और हम सब लोग मिलकर जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जो अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग इस 2023 की सुबह शुरू कर रहे हैं तो सभी जो लोग यहाँ एकत्रित हैं और बाहर भी जो नागरिक हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएँ। और खासकर आज का जो टाइटल है इस हफ्ते का और आज का टाइटल है जो स्वस्थ तन आनंदित मन, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आगे हम लोगों को जो भी चीज़ें करनी है अगर हमारा तन स्वस्थ है जिसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और मन में एक विश्वास रहे कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा करना है, मन में आनंद रहे, बस ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो हम लोग बाकी सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो सभी लोगों को मेरा ये आग्रह है कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ज़्यादा ज़्यादा जन सहभागिता बढ़ेगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बच्चों से लेके बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सारे लोग मिलकर इसका आनंद उठाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय भारत माता की, जय भारत माता की। और स्वस्थ तन आनंदित मन की इस कल्पना पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित है और इसके पहले एक आनंद की थीम भी देखते हैं श्री महिवाल जी ने। तू भी खेले मैं भी खेलूं खेले मेरे आका नाल जिसका नाम है सनम चटाका, सनम चटाका ओ मेरे आका सुंदर फटाका, सनम चटाका अटकन मटकन दो चटाका राजा गया दिल्ली, दिल्ली से आया सात कटोरी एक कटोरी भूटी दादा की टांग टूटी, राजा सलाम भरी चोर पकड़ा क्या गुना किया हाथी की सूंड में से लोटा ले गया, एक लड़की रो रही थी उसका साथी घूम गया, उसने साथी ढूंढ लिया तो फूटा फटाका, सनम चटाका ओ मेरे आका सुंदरी फटाका, सनम चटाका तेरी पतंग आकाश में उड़े मेरी पतंग आकाश में उड़े, तूने मुझसे पेट जलाए मैंने तुझसे पेट जलाए, तो जोर से बोलो सनम चटाका ओ मेरे आका सुंदरी फटाका। सनम संजा भाई की सासू कुकड़िल्ली ऐसा तू अदारी के चमचा की, के संजा तू थारा घर जा के थारी माँ मारेगी के कूटेगी के डेली में दच कोड़ेगी, के साथ गया ससुराल के हिंदी का बड़ा बड़ा दा के छोरा छोरी कर पेगा, कोड़ा बदाम से पीछे देखे मार गई जिसने पीछे देख लिया तो पड़ा सटाका, सनम सटाका ओ मेरे आका सुंदरी फटाका, सनम सटाका सनम सटाका सनम सटाका। सरल सटाका के साथ शुरुआत और स्वस्थ तन आनंदित मन आधारित एक संक्षिप्त पिच स्वस्थ तन से संबंधित आपके कुछ साधारण प्रश्न है जो आपको आनंदित करेंगे और आपके स्वस्थ जीवन और आनंदित मन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं
आदरणीय माननीय जिलाधीश महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस सीरियल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मैं एक क्विज के माध्यम से स्वस्थ तन स्वस्थ मन इस पर एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। शुरुआत हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाधीश महोदय से, कौन बनेगा करोड़पति के तहत जो बनावा प्रोग्राम है, कौन बनेगा बुद्धिमान, इसमें केबीवी आपके सामने एक प्रश्न के चार उत्तर वाले कुल 15 प्रश्न एक के बाद एक आएंगे। आपको चार उत्तरों में से एक सही उत्तर का चयन करना है। गलत उत्तर देने पर आपको हार्ड सेट से उत्तर होगा, लेकिन आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना है। आपके पास चार लाइफ लाइन भी है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। कई प्रश्न, हाँ हाँ जी जी, तो ऑडियंस कौन है, एक्सपर्ट एडवाइस या मैनेजमेंट आपके पास, डबल आंसर है और क्वेश्चन पसंद ना आए तो चेंज क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये माइक आपके हाथ में, बोलिए बोलिए। कोरोना से बचाव के लिए निम्न में से सरल तरीका कौन सा है, दो गज की दूरी, बी मास्क पहनना, सी बार बार हाथ धोना, या डी ये तीन। अरे ये हॉट सीट पे इधर बैठे हो नहीं, बट इसमें ऑडियंस फुल ले लेते हैं ना, ऑडियंस से पूछते हैं इसमें सबसे आसान कौन सा है, आप बताओ भाई। नहीं आसान चाहिए, देखो तीनों तो फिर वो कंपल्सरी है, आसान आसान वाला क्या है, इसमें कुछ मतलब सामान वामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है ऑडियंस ने सही बताया है कि इसमें क्या है कि बस सावधानी रखना है जी सर। तो मुझे लग रहा है कि ए पे लगा दीजिए, लेकिन यदि तीनों तीनों रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर। आपको एक मौका दिया जाता है, एक बार आप ही बता दो आपने। नहीं आपने सबसे सरल पूछा था, तो सरल तो ये है ना, लेकिन अगर क्योंकि कोविड बढ़ने वाला है तो जो है सही जवाब है इसके, ताकि कोविड से पूर्णता अगर बचाव करना है तो इन तीनों का पालन करना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल दीपक चौहान साहब से, स्वस्थ तन स्वस्थ मन का मंत्र किस वेद में मिलने की संभावना अधिक है, ए आयुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। यदि हॉट सीट वाले को मौका दिया जाए, लेकिन कोई कष्ट हो तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। इसमें भी आप एडवाइस को लेना चाहूंगा। नहीं, एक लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है सर। आयुर्वेद। यदि सही हो तो तालियां जरूर बजाइए। आनंदम विभाग के बैनर तले नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से और प्रेस क्लब और टाइम मीडिया के सह सहयोगी के रूप में आज से नए साल के पहले दिन से सैर सपाटा की शुरुआत की गई है, जो आने वाले 8 सप्ताह तक चलेगी और इन 8 सप्ताह में प्रत्येक रविवार को इस तरीके के आयोजन होंगे। आज पहला दिन है और पहले ही दिन किस तरह का उत्साह उमंग लोगों में नजर आ रहा है,
बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर कोई इस सैर सपाटे का हिस्सा बना हुआ है। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक यानी कि 3 घंटे तक इस तरह की एक्टिविटीज चलेंगी और महाराणा प्रताप चौराहे यानी कि धोबी चौराहे से लेकर के महूपुरा चौराहे तक पूरी तरीके से अलग अलग गतिविधियां चलाई जा रही है। चाहे संगीत की धुन पर योग क्रिया हो, चाहे प्राणायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, जूडो कराटे के जो खिलाड़ी हैं वे भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही लोगों के आनंद के लिए प्रेस क्लब के द्वारा यहां पर दूध और जलेबी का यहां पर आयोजन किया गया है। कई आयुर्वेदिक यहां पर रसपान यहां पर किया जा रहा है, रस का वितरण यहां पर गायत्री परिवार की ओर से किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे देखे के कोरोना के 2 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से पूरा स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन हो, स्वस्थ शरीर हो, इस संकल्प के साथ में जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यहां पर सैर सपाटे की शुरुआत की गई है। अलग अलग मंच लगाए गए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ यहां पर की जा रही है और जो पूरा शहर है इस सैर सपाटा का हिस्सा बना हुआ है। हमारे साथ में कुछ लोग भी यहां पर मौजूद है, उनकी भी यहां पर राय ले लेते हैं कि किस तरह का ये आयोजन है और क्या कुछ कहेंगे। सर, सैर सपाटा की शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। और आज के दिन जब सब कोहरा हो रहा है, उस कोहरे की वजह से भी लोग बाग थोड़ा लेट हुआ, पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सारे बच्चे। देखो आप सब डांस कर रहे हैं, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंजॉय पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। निश्चित रूप से भले ही कोहरा है लेकिन लोगों के जोश और उमंग में किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है। साल का पहला दिन है, कोहरे की चादर ओढ़े या साल का पहला दिन आया, लेकिन किसी तरह के उत्साह में कोई कमी नज़र आ रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है उत्साह में। और हो सकता है अगले रविवार को ज़्यादा भीड़ रहे इससे, अभी कोहरे के कारण भीड़ थोड़ी कम हो तो है लेकिन इतनी भी कम नहीं है। निश्चित रूप से चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, हर कोई आज सैर सपाटा का यहाँ पर आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा। अलग अलग गतिविधियाँ चलाई जा रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे सैर सपाटे को लेकर के? जिला प्रशासन की जो पहल है, नगर पालिका प्रशासन की जो पहल है और सबसे बड़ी जो आनंद विभाग ने के बैनर तले ये आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया और बड़ा सुंदर आयोजन है और सभी के लिए एक नया प्रेरणा मिलती है इससे और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सब सजग हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा आइटम है और हमेशा इसको चलते रहना चाहिए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी है। धन्यवाद। जब कोरोना आया था तो एक बात की गई थी कि योग करें, प्राणायाम करें ताकि कोरोना दूर रहे। कोरोना तो हाल फिलहाल तो जिला इससे मुक्त है लेकिन एक बार फिर से इसकी दस्तक जो है लोगों को डराने लगी है, ऐसे में इस तरीके के आयोजन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? मतलब कोरोना को भगाने के लिए योग भी आवश्यक है, साथ में जिला प्रशासन का जो ये आयोजन किया गया बहुत सराहनीय है। वो इसके पूर्व भी, कोरोना के पूर्व भी सैर सपाटा प्रारंभ हुआ था जो काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने इसके आनंद लिए और आज भी अब हम देख रहे हैं कि बहुत मतलब आनंद से इस आयोजन का मजे ले रहे हैं और ये प्रति रविवार विगत आने वाले 8 रविवार को आयोजन होना है और जिला प्रशासन का ये आयोजन बहुत सफल रहेगा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन की हमेशा, जिला कलेक्टर की हमेशा यह प्रयास होता है कि शहर के विकास को लेकर के किस तरीके के आयोजन हो, लोगों के हितों में किस तरीके के आयोजन हो और उसी का यह हिस्सा सैर सपाटा। खुद जिला कलेक्टर दिनेश जैन सुबह 6 बजे से ही जिन्होंने इसकी विधिवत तरीके से शुरुआत की और अलग अलग गतिविधियों में वे शामिल हुए, उन्होंने प्राणायाम किया, दूध और जलेबी का जो आयोजन प्रेस क्लब के द्वारा किया गया उसका भी उन्होंने स्वाद चखा और मालवा की मिठास कही जाने वाली जलेबी का भी उन्होंने स्वाद लिया। साथ ही अलग अलग जो यहाँ पर एक्टिविटीज की जा रही है, चाहे योग हो, सूर्य नमस्कार हो, प्राणायाम हो, साइकिल चलाने की चाहे गतिविधि हो, उसका भी वे हिस्सा रहे। सर, सुबह आपने विधिवत तरीके से शुरुआत की और उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज में आप हिस्सा ले रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना उल्लास नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से हम लोग जैसे बचपन में करते थे ना, वैसे ही तरह का लग रहा है कि जैसे बचपन फिर से लौट आया है और हम लोग अपने फ्री विल से घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, योगा कर रहे हैं और लोग भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत खुशी हो रही है। लोगों के उल्लास के साथ में साथ ही साथ यहाँ पर संदेश भी दिए जा रहे हैं,
नेकी की दीवार यहाँ पे बनाई गई है ताकि गरीब लोगों के लिए कुछ यहाँ पे हो, साथ ही चाइल्ड लाइन का भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल, लोग जो है, जो हमारे एनजीओज हैं वो भी काम कर रहे हैं आनंदम केंद्र के माध्यम से, जो वस्त्र वगैरह हैं जो लोगों ने डोनेट किए हैं, तो आवश्यकता अनुसार लोगों को प्रदाय किए जा सकते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको भी हम लोग देंगे। और चाइल्ड लाइन ने भी एक स्टॉल लगाया हुआ है, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कैसे बच्चों के लिए वो लोग काम करते हैं, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा भविष्य में आयोजन। हमने देखा कि जब आप दूध जलेबी के स्टॉल पे खड़े थे तो आपने वहाँ भी लोगों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया है, हमने खुद देखा कि आपने डस्टबिन में जो पात्र था वहाँ डाला है, साथ ही आपने लोगों को भी इस ओर जागरूक किया है ताकि जो शहर है, जिला है, वो भी स्वच्छता के पायदान में कहीं ना कहीं ऊपर आए। नहीं, इस बार हम लोग स्वच्छता में हमारे जो नगरीय निकाय हैं सभी निकायों को स्वच्छता में आगे ले जाने के लिए पूरा काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ साथ में हैं, हम सब लोग मिलके जो है नगर को साफ रखने के लिए पूरा जोर लगाएंगे इस पर। केबीसी की तर्ज पर एक जो गेम आपने भी खेला है, वहाँ पे सवाल जवाब आपने किए, साथ ही उस मंच से भी आपने कोरोना को लेकर के लोगों से जागरूकता की अपील की। बिल्कुल, उसमें जो मनोहर राय जी ने जो बनाया हुआ है केबीबी, उसका हम लोगों ने देखा, उसके माध्यम से कोविड में क्या जागरूकता रखना है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक मनोरंजक गेम भी है, बच्चों को भी उसमें आनंद आ रहा है। आने वाले दिनों में किस तरीके के और यहाँ पर कुछ नई एक्टिविटीज़ जोड़ी जाएंगी, लोगों से क्या कुछ? यहाँ और भी एक्टिविटीज़ हम लोग चालू करेंगे बच्चों के लिए, बहुत सारे गेम्स महिलाओं के लिए, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें जोड़ते जाएंगे लगातार। तौर पर जिला कलेक्टर जो कि हमेशा ही यह प्रयास रहता है, हमेशा से ही यह प्रयास रहता है कि जिले के लिए कुछ नया किया जाए, शहरवासियों के लिए कुछ नया किया जाए, और क्या युवा, क्या बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई आज सैर सपाटा का हिस्सा बना हुआ है, और हर कोई चाहता है कि जिस तरीके से बड़े शहरों में, महानगरों में इस तरीके के आयोजन होते हैं, हमारे शहर शाजापुर में भी इस तरीके के आयोजन हो, ताकि जो लोग हैं सुबह का लुत्फ लेने के लिए अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुँचे, और इसी का प्रयास आनंद संस्था के द्वारा, आनंद विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के संयुक्त रूप से आज किया जा रहा है। 8 सप्ताह तक यह इस तरह का आयोजन होगा, प्रति रविवार को इस तरीके का आयोजन होगा, और हर कोई आज पहले ही दिन, साल का पहला दिन है, नई सुबह है, नई उमंग है, नए संकल्पों के साथ में सैर सपाटे का हिस्सा बनने के लिए पहुंचा है। सर, किस तरह का आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? पहले तो महानगरों में इस तरीके के आयोजन होते थे, लेकिन जब हमारे शहर में अगर इस तरीके के आयोजन होते तो क्या कुछ कहें? बहुत अच्छी पहल है, और सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उसके तारतम्य में ये बहुत अच्छी पहल है। लोगों को सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे तो लोग जनरली जाते ही हैं, पर इस बहाने सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और इस चीज़ का आनंद लेंगे, तो आनंद ये जो आनंद का पल है इसको सब लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए, और बहुत अच्छा समय है ये सुबह का। तो मेरे को मैं आप सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको आके अधिक से अधिक संख्या में आके सहभागिता अपनी देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सबसे पहले तो नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफ़ी समय के बाद ये प्रोग्राम सैर सपाटा जो है वापस शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय श्री कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ शाजापुर की ओर से। सैर सपाटा की आज से शुरुआत की गई है, आनंद विभाग के तत्वाधान में शाजापुर नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप के साथ ही प्रेस क्लब और टाइम मीडिया शाजापुर इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और मेरे साथ में टाइम मीडिया के डायरेक्टर मनीष सोनी भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं, किस तरीके के आयोजन की शुरुआत की गई है, और टाइम मीडिया जो कि हमेशा अपनी भूमिका निभाता चला आ रहा है, चाहे नवरात्रि पर्व हो या अन्य सांस्कृतिक आयोजन हो, उसी में आज सैर सपाटे की भी शुरुआत की गई है, और टाइम मीडिया में ने इसमें भी अपनी भूमिका निभाई है, क्या कुछ? सबसे पहले समस्त शहरवासियों को और जो लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी को कैलेंडर
वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 2023 की शुरुआत हो रही है, वर्ष 2022 की गलतियों को और वर्ष 2022 की तमाम ऐसी बातों को भूलकर हम नए वर्ष की नई गति से, नई ऊर्जा से, नई सोच से शुरुआत करें और आज नए वर्ष की नई सुबह पर जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद के प्रायोजन में मध्य प्रदेश सरकार के आनंदम विभाग द्वारा प्रेस क्लब शाजापुर और टाइम मीडिया के सहयोग से और अन्य सभी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सैर सपाटा का आयोजन यहां पर किया गया है। और इस सैर सपाटा में जहां तक है योग क्विज जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे चल रही है और उसके बाद से साइकिलिंग, इसके बाद में सूर्य नमस्कार और अन्य कई यहां पर जो है मंच लगाए गए हैं जिनके माध्यम से जो थीम थी प्रेस क्लब की पहले सप्ताह के लिए स्वस्थ मन और आनंदित तन, उसको सार्थक कर रहा है आज का सैर सपाटा। और इसी को सार्थक करने के लिए यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं उसमें भी स्वस्थ मन और स्वस्थ तन इस थीम को उभारा गया है। और अन्य जो सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं उनमें 2023 सैर सपाटा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, इस तरीके से जो लगाए गए हैं उन सभी के माध्यम से 2023 में अभिनंदन है आपका। और इस 2023 में आप अभी अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, आनंदित मन होगा। इस थीम को चरितार्थ करते हुए प्रेस क्लब शाजापुर द्वारा इस सैर सपाटा में सहयोग प्रदान किया गया है। प्रेस क्लब के माध्यम से जितने भी प्रतिभागी यहां पर आएंगे सैर सपाटा में उन सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जहां तक है सवाल, टाइम मीडिया ने हर बार शहर के हर आयोजन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है क्योंकि आम जनता के प्रति टाइम मीडिया शहर और जिले का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ यूट्यूब चैनल है, इसलिए हमने हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया है। और सीधा प्रसारण के माध्यम से हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग अपने घरों में आज आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, वो भी अगले संडे आगन जो आने वाला संडे है 8 जनवरी को वो यहां पर पहुंचे और स्वस्थ तन के लिए, आनंदित मन के लिए 4 कदम यहां पर चलकर योग करें, चहल कदमी करें, साइकिलिंग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, जिससे भविष्य में यदि इस तरह की कोरोना जैसी कोई महामारी आती, बीमारी आती तो अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। थैंक यू। टाइम मीडिया के डायरेक्टर मनीष सोनी जो कि सारी चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाएंगी। सुबह 6 बजे जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने इसकी विधिवत तरीके से शुरुआत की। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रेम जैन, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष संतोष जोशी, पूरे इस कार्यक्रम के प्रभारी विवेक दुबे और शिशिर शर्मा जो कि आनंद विभाग से आते हैं, साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक चौहान, मनीष सोनी, टाइम मीडिया के डायरेक्टर और तमाम लोगों की मौजूदगी में आज पहले दिन इसकी शुरुआत की गई। और पहले ही दिन भले ही कोहरे की चादर ओढ़े या पहला दिन आया हो, लेकिन पूरे उत्साह और उमंग के साथ में लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई और नए साल 2023 का स्वागत किया। बताएं, आज से सैर सपाटा की शुरुआत हुई है, प्रति सप्ताह रविवार को इस तरह का आयोजन होगा, नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की? सर्वप्रथम तो नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना शहरवासियों को। आज साल के पहले दिन सैर सपाटे की जो शुरुआत नगर पालिका और आनंदमय डिपार्टमेंट द्वारा की गई है, ये शुरुआत का इसकी शुरुआत हुई है आज, ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है, काफ़ी लोग यहाँ आए हैं तो इसकी शुरुआत को देखते हुए ऐसा लगता है कि लंबे समय तक ये चलेगी। साल का पहला दिन है, साथ ही आज से मौसम भी पूरी तरीके से बदलाव आ गया है, कोहरे की चादर ओढ़े पहला दिन आया है, ऐसे में लोगों में किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है? लोगों को उत्साह देखते हुए लगता है कि इस कोहरे के मौसम का पूरी तरह आनंद ले रहे हैं और इस आनंद में लोग योग, आसन, दूध जलेबी, बच्चों को साइकिलिंग,
खेलने कूदने का खूब आनंद आ रहा है। काफी लोग शहर के यहाँ उपस्थित हैं। सैर सपाटे की शुरुआत नए साल की पहली तारीख से की गई है। 8 सप्ताह तक यह आयोजन चलाया जाएगा। प्रति रविवार को इस तरीके का आयोजन सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक किया जाएगा। और जो कार्यक्रम के प्रभारी हैं और जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे जी भी हमारे साथ में हैं। विवेक जी, किस तरीके की कार्य योजनाएं बनाई गई है? पहले महानगरों में इस तरीके का आयोजन होता था, लेकिन लोग चाहते थे कि हमारे शहर में भी इस तरीके का आयोजन हो, जहाँ पर लोग सुबह सुबह पहुँचे और सुबह की शुद्ध हवाओं के बीच में स्वस्थ मन और स्वस्थ तन का यहाँ पर मिलन हो। इस तरीके का आयोजन को लेकर के किस तरह की तैयारी? जिला शिक्षा अधिकारी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस शहर का एक नागरिक हूँ और मेरे शहर में आम जनता के लिए मनोरंजन का कोई साधन है नहीं। तो जब अखबारों में पढ़ा था कि बड़े बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन में भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो कोविड के पहले तात्कालिक प्रशासन का भी, चूंकि मैं एक हिस्सा रहा हूँ, तो उनके साथ मैंने अपने विचार बताए। प्रशासन ने अप्रिशिएट किया और लोकल के कारण यहाँ के जो अन्य अन्य लोग हैं उनने सहयोग दिया, तो अपन ने उन सबसे संपर्क करके एक स्थान का चयन किया जो सबसे सुरक्षित और पॉश एरिया में है और जो सबके रीच में है, सबके आवागमन सुविधा है, और यहाँ प्रारंभ किया था। पर विगत 2-3 वर्षों से कोविड के कारण इस चीज़ को रोका गया था। अभी चूँकि मार्च से एग्ज़ाम चालू हो जाएगी और मौसम में परिवर्तन आएगा, तो 8 सप्ताह हमने चयन किए और अगर ये अच्छा रहा तो हर साल इसको निरंतर किया जाएगा। मैं आपसे चर्चा का दौर आगे बढ़ाऊंगा, उसके पहले तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो बचपन के जो खेल हुआ करते थे, रस्सा कसी के खेल हो, फुटबॉल के खेल हो, पहिया घुमाने का खेल हो, और न केवल ये खेल है बल्कि ये शरीर को भी मजबूती बनाने का अहम हिस्सा हुआ करता है। इस तरीके के जो खेल, पारंपरिक खेल जो विलुप्त हो चुके थे, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और आनंद विभाग का यह प्रयास है कि उन खेलों को भी पुनः जीवित किया जाए। जी, एक कहीं ना कहीं ये कोशिश भी है जो खेल जो विलुप्त हो चुके थे उन्हें फिर से जीवित किया जाए इस तरीके के आयोजन के माध्यम। बचपन में हम लोग चिड़िया फूर, तोता उड़ ये करा करते थे, अभी हमने वो भी किया। चेयर रेस को बिना चेयर के भी कैसे खेला जाए ये बताया गया। अभी आपने रस्सा कशी के देखा। अगले सप्ताह से हम यहाँ पौवे, जो बालिकाओं का घर घर का लोकप्रिय खेल था, वो विलुप्त तो हो गया है, उस पौवे को बना के वो कैसे खेलते हैं नए बच्चों को, वो भी सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चेस का एक कार्नर जो मानसिक बुद्धि के लिए है, वो भी हम कोशिश करेंगे। फिर हमारे त्यौहार और जो हमारी संस्कृति है उसका इसमें समावेश कैसे किया जाए, तो एक रविवार 14-15 तारीख को संक्रांत के वक्त आ रहा है, तब तिल गुड़ का वितरण घर घर से मंगा के करें, तो सामाजिक समरसता का विकास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही सर, हमने देखा कि कई संदेश भी यहाँ से दिए जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से आपने जो आसपास जो कचरा पड़ा हुआ था आपने खुद उसे उठाया, डस्टबिन में डाला। कहीं ना कहीं इस तरीके के आयोजन के साथ में एक संदेश भी दिया जा रहा है कि हमारा शहर भी स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। जब स्वच्छता है और इनकी इंदौर की बात आती है, हम इंदौर उज्जैन के पड़ोसी हैं पर कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, तो मन तो कचोटता है। तो इसमें हर सप्ताह की एक थीम है, जैसे इस सप्ताह की थीम है स्वस्थ तन आनंदक मन, ऐसे ही कभी स्वच्छता कभी पर्यावरण, हमने 8 दिन के लिए थीम चयन की है। तो एक संदेश, क्योंकि एक दिन के परिवर्तन तो कुछ होता नहीं है, पर एक संदेश तो जाता है, वो संदेश देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभी हमने देखा नेकी की दीवार बनाई गई है, चाइल्ड लाइन केयर के हिसाब से भी यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, और इनके अलावा क्या कुछ गतिविधियाँ हैं और आने वाले दिनों में और इसे और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? समाज में सब लोग समरस के साथ समान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो अतिरिक्त देवे और आवश्यक ले जावें, इसके लेके एक नेकी की दीवार जो आनंदक मंत्रालय का एक कार्यक्रम भी है उसे भी हमने इसमें समाहित किया है। तो जिन व्यक्तियों को मैं इसमें संदेश देना चाहूँगा कि अभी ठंड के दिन चल रहे हैं तो अच्छे ऊनी कपड़े धोकर प्रेस करके थैली में रख के हमें देवे, और जिनको आवश्यक हो प्रति रविवार को गायत्री परिवार के पास जो हमारा स्टॉल है उससे उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये विवेक दुबे जो कि पूरे कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इस आयोजन को और बेहतर बनाया जाएगा। आप देखें कि पूरा जो
शहर है, जैसा जैसा लोगों तक इस बात की खबर पहुंची कि सैर सपाटा एक आयोजन करने जा रहा है जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, उसके बाद में जो लोग हैं यहां पर अपने परिवार के साथ में पहुंचे और सुबह 6 बजे से ही चाहे कोहरे की चादर ओढ़े आज का पहला दिन आया हो, साल का पहला दिन आया हो, पहली तारीख आई हो, लेकिन पूरे उत्साह और उमंग के साथ में जो लोग हैं उन्होंने इस 2023 का स्वागत किया, पहली सुबह का स्वागत किया और नए संकल्प, नई उमंग और नई तरंग के साथ में यह प्रण लिया कि हम स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। कैमरा पर्सन आशीष कारपेंटर के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया, शाजापुर।